Alpha Regiment. Earn uniform, earn respect. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, नेत्र मार्क टू, भारतीय रक्षा का गर्व। इस वीडियो में हम आपको रक्षा सिस्टम के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे जिसका उपयोग भारतीय सशस्त्र सेना की सुरक्षा में होता है। नेत्र मार्क टू क्या है? नेत्र मार्क टू एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि AEWNC है, जिसे भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि DRDO द्वारा। यह विमान पर स्थापित होता है और भारतीय हवाई सेना को विमानों, मिसाइलों और दुश्मनी विमानों की समीक्षा करने की क्षमता प्रदान करता है। यह AEWNC विमान एयरबस A320 के आधार पर बनाया गया है। नेत्र मार्क टू की डिलीवरी 2028 तक होने की योजना है और इसे 2030 तक भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेत्र मार्क टू के महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। नेत्र मार्क टू विमानों को बड़े दूरी से ट्रैक करने की क्षमता रखता है, जिससे शत्रु विमानों को पहचाना जा सके। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कमांड और कंट्रोल की अनेक विशेषताएं होती हैं, जिससे विभिन्न आकार के ऑपरेशन को समर्थन मिलता है और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेत्र मार्क टू का प्रमुख उपयोग विमानों और मिसाइलों के आसपास की सुरक्षा सुनिश्चित करने में होता है। इसके द्वारा आपदाओं के समय या सीमा पर किसी भी दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी की जा सकती है, उपयुक्त निर्णय लिया जा सकता है। भारतीय वायुसेना इन विमानों का इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बहुत प्रभावी तरीके से कर रही है। चलिए अब बात करते हैं नेत्र मार्क टू के फायदे के बारे में। यह भारत की सुरक्षा को मजबूती देता है और समय पर खतरों की चेतावनी देता है। इसके जरिए रक्षा संगठन अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकता है। नेत्र मार्क टू के माध्यम से रक्षा संगठन विभिन्न संघर्षों में अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। नेत्र मार्क टू भारतीय रक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी तकनीक और उपयोगिता का समय समय पर सुधार किया जाता है ताकि हम हमेशा तैयार रह सके। नेत्र वन और नेत्र टू AEWNC विमान भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाएंगे। भारत को आने वाले 5 से 10 सालों में लगभग 13 AEWNC विमान मिलने की संभावना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारा ये चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे अलविदा लेते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।